हेलो स्टारियंस एंड डियर एस्पिरेंट दिस इज़ आर आर सर एंड टूडे वी विल डिस्कस ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच इज़ फैमिली लिलिएसी स्टूडेंट्स फैमिली लिलिएसी को कॉमनली लिली फैमिली कहते हैं लिली फैमिली क्यों कहते हैं क्योंकि इस फैमिली का टाइप जीनस है लिलियम स्पसीज जिसको कॉमनली हम लिली प्लांट के नाम से जानते हैं डेस्ट्रेंड्स मोनोकोटलिनस प्लांट की इकलौती फैमिली आपके सिलेबस में मेंशन है वह है फैमिली लिलिएसी जिसकी वजह से हम इसे कैरेक्ट्रिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटलिनस प्लांट के नाम से भी जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड लीलिएसी फैमिली के प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड है वेजिटेटिव कैरेक्टर जिसमें हम रूट स्टेम और लीफ की बात करेंगे तो फैमिली लीलिएसी के जो प्लांट्स हैं वो पेरिनियल पेरीनियल लाइक प्लांट होते हैं लाइक प्लांट का मतलब वो प्लांट जिसके पास मैकेनिकल टिश्यू नहीं है प्लांट छोटा होगा पेरिनियल है जो टेक्निकल टर्म है वो है पेरिनियल पेरिनियल का मतलब जो एक से अधिक वर्षों तक अपने लाइफ साइकिल को मेंटेन रखता है यानी उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में एक से अधिक ईयर लगते हैं पेरिनियल हर्ब है स्टेम में वेरिएबिलिटी है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड का बल्ब लाइक स्टेम रखते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कॉर्म लाइक स्टेम होता है कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें राइजोम लाइक स्टेम होता है लीव्स की बात करें तो लीव्स मोस्टली बेसल होंगी अल्टरनेट होती हैं अल्टरनेट का मतलब फ्राम वन नोड सिंगल लीफ का फॉर्मेशन हुआ रहेगा लीनियर है। होती हैं एक्स स्टिप्यूलेट बेटा स्टिप्यूल जो होता है स्टिप्यूल इज़ द फीचर ऑफ डाईकॉड नॉट द फीचर ऑफ मोनोकोट और ये फैमिली मोनोकोट की है तो यहाँ पर स्टिप्यूल नहीं होगा पैरल वेनेशन इन जनरल पैरल वेनेशन इज द करेक्ट्रिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स तो मोनोकॉट की फैमिली है तो पैरल बेनेशन कैरेक्टरिस्टिक में आना ही था वेजिटेटिव वाले पोर्शन में ठीक है तो ये था वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं उससे पहले कुछ डाइग्राम आप देख लीजिए डायग्राम जैसे इसमें एक फ्लावर का डाइग्राम दिया हुआ है एक कंप्लीट प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है और ये फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है फ्लोरल डायग्राम को हम डिटेल में समझेंगे आगे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक पे बेटा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें इनफ्लोरिसेंस जो बंच ऑफ फ्लावर होता है इसमें कंडीशन है कभी कभी इस फैमिली के प्लांट्स टर्मिनल फ्लावर बनाते हैं यानी कंडीशन सॉलिट्री का होगा सॉलिट्री का मतलब अकेला यानी एक सिंगल फ्लावर है कभी कभी साइमोस टाइप की कंडीशन होती है इन्फ्लोरेसेंस की साइमोस का मतलब कि ओल्डेस्ट फ्लावर जो होगा एक बन जाएगा टर्मिनल वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा एक्सिस वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा और नंबर ऑफ लेटरल फ्लावर्स बनेंगे तो साइमोस टाइप का होता है कभी कभी अम्बिलेट क्लस्टर लाइक इंफ्लोडिस भी रिपोर्ट किया गया है कहा पर फैमिली लिलियसी के प्लांट्स में फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है बाईसेक्सुअल का मतलब बोथ सेक्स प्रेजेंट इन ए सेम फ्लावर एक्टिनोमार्फिक यानी फ्लावर यहाँ का क्या है सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल में भी किसी भी प्लेन से अगर हम फ्लावर को कट कर रहे हैं तो दो बराबर भाग में बैठ रहा है तो उस सिमेट्री को बोलते हैं फ्लावर की एक्टिनोमार्फिक क्या एक्टिनोमार्फिक तो यहाँ पर एक्टिनोमार्फिक पाया जा रहा है पेरियंथ पेरियंथा तब पाया जाता है जब कैलिक्स और करोला डिफ्रेंसीट नहीं हो पा रहे हों तो यहाँ पर कैलिक्स और करोला डिफ्रेंसीटेड नहीं होने की वजह से पेरियंत पाया जाता है पेरियंत की यूनिट होती है टेपल टेपल यहाँ पर दो होल में होते हैं थ्री इन आउटर होल्ड एंड थ्री इन इनर होल्ड तो हमने देखो थ्री प्लस थ्री लिखा हुआ है जो टेपल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं टेपल्स आपस में क्या होंगे फ्यूज होंगे तो वो यूनाइट करके एक ट्यूब लाइक अपियरेंस देते हैं क्या देंगे ट्यूब लाइक अपियरेंस तो टेपल यूनाइटेड हैं तो थ्री प्लस थ्री को किस में लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं एस्टिवेशन वॉलबेट होगा जब भी फ्लोरल होल में सेपल और पेटल इंड टू इंड अटैच होते हैं तो कंडीशन क्या होती है वॉलट टाइप की चूंकि यहाँ सेपल और पेटल नहीं हैं यहाँ पर क्या हैं टेपल्स हैं तो टेपल्स इंड टू इंड, इंड अटैच हुए हैं तो कंडीशन हो जाएगी वॉल्वेट कैसी वॉल्वेट टाइप की एंड्रोसियम की बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर तो उसकी यूनिट स्टामिन होती है स्टामिन की संख्या छः है स्टामिन थ्री प्लस थ्री के फॉर्म में पाया जाता है थ्री प्लस थ्री का मतलब यस फ्रेंड्स यहां का जो स्टामिन है वो अटैच होता है विथ टेपल्स बाय देयर फिलामेंट यानी कंडीशन होगी इपी टेपलस और इपी फिलस अब जो अरेंजमेंट टेपल्स का होगा उसी अरेंजमेंट में स्टामिन्स भी पाए जाएंगे तो थ्री स्टामिन जो होते हैं वो आउटर होल की टेपल से लगे होते हैं बाय देयर फिलामेंट। और थ्री स्टामिन इनर होल के टेपल से लगे होते हैं बाय देयर फिलामेंट। गाइनोसियम जो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है ट्राई कार्पेलरी ट्राई कार्पेलरी का मतलब तीन कार्पेल कार्पेल की संख्या कितनी तीन कार्पस यानी कार्पल्स आपस में फ्यूज है ओवरी सुपीरियर है यानी रेस्ट ऑफ द फ्लोरल होल्स का फॉर्मेशन फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी हुआ है ट्राइलर लॉक्यूल्स की संख्या तीन है अब लॉक्यूल्स का नंबर बढ़ा इसका मतलब फ्यूजन तो है लेकिन बीच की सेप्टा डिजॉल्व नहीं करी है हर लॉक्यूल में न्यूमरस ओब्यूल्स होते हैं यानी सीड की संख्या क्या होगी ज्यादा होगी प्लेसेंटेशन एक्साइल टाइप का होता है अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट यहाँ का कैप्सूल टाइप का होता है और कभी कभी बेरी भी रिपोर्ट किया गया है सीड एंडोस्पर्मस होता है एंडोस्पर्मस सीड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकॉट मोनोकॉट प्लांट्स की जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सीड एंडोस्पर्मस होता है कुछ एक डाइकॉट की फैमिली में भी एंडोस्पर्मस सीड्स रिपोर्ट किए गए हैं तो चूंकि एक ही फैमिली है मोनोकॉट की तो यहां पर सीड क्या होता है एंडो एस्पर्मस फ्लोरल फार्मूला को देखें तो जो फ्लोरल कैरेक्टर्स अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा है उसी पर बेस्ड है हमने फ्लावर में एक्टिनोमार्फिक की बात करी एक्टिनोमार्फिक का सिंबल दिया हुआ है हमने फ्लावर में बाईसेक्सुअल की बात करी बाइसेक्सुअल कंडीशन दिया हुआ है पेरियंथ की बात करी पी से रिप्रेजेंट किया है थ्री प्लस थ्री इन ब्रैकेट होगा क्योंकि दोनों आप देख रहे हैं यहाँ फ्लोरल डाइग्राम में तो तीन आउटर होल में तीन आउटर होल में ये रहा टेपल तीन आउटर होल में टेपल है तीन इनर होल में टेपल है ठीक है तो थ्री प्लस थ्री और सारे टेपल्स एक दूसरे से क्या हैं जुड़े हुए हैं सारे टेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखें और देखो ए ए मतलब एंड्रोसीम थ्री प्लस थ्री में है तीन जो ये वाले इस्टामेंस हैं वो आउटर होल से जुड़े हुए हैं और तीन जो इनर वाले हैं तीन और रेस्ट ऑफ द स्टाम्स हैं ये इनर होर लाफ टेपल से जुड़े हुए हैं ठीक है गाइनोसियम को अगर देखते हैं तो गाइनोसियम में ओवरी की कंडीशन सुपीरियर होती है ऐसा हमने लिटरेचर में अभी देखा है प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर देखो गाइनोसियम में थ्री है लेकिन तीनों अलग अलग चैम्बर बनाया हुआ है तो तीनों क्या कहेंगे हम तीनों फ्री हैं और ओब्यूल्स का नंबर ज़्यादा दिखाया गया है तो ये है फ्लोरल फार्मूला यह है फ्लोरल डाइग्राम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डाइग्राम एकदम बैलेंस है यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ना ये ईपी टेपलस को दर्शा रहा है ई पी टेपलस को दर्शा रहा है जैसे कि इस्टाम्स बैठे हुए हैं कहाँ पर टेपल्स पे और देखो स्टामिन लगा हुआ है बाई देयर फिलामेंट बाई देयर फिलामेंट समझ में आ गया तो ये है कंप्लीट फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फैमिली की स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स की बात करेंगे जो फैमिली लिलिएसी के प्लांट हैं ठीक है थीके? तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट में प्रीवियस स्लाइड को देखते हैं एरा. यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ट्यूलिप ये देखो ये ट्यूलिप बल्ब है इसकी जो बल्ब होती है ना ये ट्यूलिप के फ्लावर्स की बड़ी खूबसूरत होती है ठीक है बुके बनाते हैं जो वो काफ़ी यूज़ करते हैं ट्यूलिप प्लांट का ठीक है और ये है ग्लोरियोसा देखो ये फ्लावर ब्यूटीफुल फ्लावर है बहुत सुंदर फ्लावर है तो ब्यूटीफुल फ्लावर बनाते हैं प्लांट जिसकी वजह से इनको हम एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं और ये कुछ प्लांट्स इस फैमिली के मेडिसिन भी देते हैं जैसे एलोबेरा की अगर हम बात करते हैं एलोबेरा की ये प्लांट आप सब ने देखा होगा बेटा एलोवेरा का प्लांट है ये हाईली मेडिसिनल होता है इसके जो फाइटोकेमिकल्स निकलते हैं उससे वेरियस स्किन डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है एस्परेगस रेसिमोसस ध्यान दो ये जो रूट है ना फेसिकुलेटेड टाइप का रूट वेजिटेटिव कैरेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया था कि बंच में रूट पाया जाता है और वहाँ पर स्टोरेज हुआ रहता है एस्परेगस रेसिमोसस की इस रूट से जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो उससे मेडिसिन बनाया जाता है ठीक है वेजिटेबल्स में ओनियन जिसका बॉटेनिकल है एलियम सेपा गार्लिक जिसका बेटा निकलने में है, एलियम सेटाइबम इन दोनों से आप अवेयर हैं तो इसका डायग्राम मैंने एड नहीं किया है इस लाइफ में ठीक है ओनियन और गार्लिक भी इसी फैमिली के प्लांट है कॉल्चीसिन की बात करें तो बेटा कॉल्चीसिन एक प्लांट डिराइब्ड केमिकल होता है और कॉल्चीसिन निकाला गया है फ्राम कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट फैमिली रिलेसी का प्लांट होता है बेटा कॉल्चीसिन एक, एक एंटी कैंसरस ड्रग होती है क्या होती है एंटी कैंसरस ड्रग होती है ठीक है तो ये कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट हो गए इस फैमिली के और इतनी बातें आपको इस फैमिली में जाननी थी फैमिली में फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डाइग्राम और उसके कैरेक्टर्स जो भी टर्म्स बीच बीच में आए वो आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट फैमिली लिली थैंक यू